आज राखी ने मुझे जहाँ गई बड़े बड़े अवार्ड में, टैली अवार्ड में मैं गई थी, उनको इनवाइट नहीं था लेकिन उनको स्टेज पे मैं लेकर गई कि मेरी फ्रेंड रहेगी। आपके पास बाइट है कुछ, हर वक्त उसको मैंने इज्जत करी, लेकिन आदिल जेल से आने के बाद जिस थाली में खाया उसी में नमक हरामी करी, उसी में छेद कर दिया। राजेश, राजश्री तुम्हारी भी माँ है राजश्री, और वो 100 साल जी, मेरी दुआ है राजश्री मेरी माँ चली गई, मर गई, तुम आदिल के साथ मिलके ये स्टेटमेंट दे रही हो कि मैंने उस रात चिकन चिली बिरयानी खाया। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी माँ 100 साल जिए, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, अगर खुदा करे ऐसा हुआ ना तो तुम भी बिरयानी और चिकन चिली नहीं खाओगी। क्या ये मुद्दा ये है कि राखी सावंत ने बिरयानी और चिकन चिली खाई? क्या ये मुद्दा है? मुझे इन लोगों ने बिठाया, मैं मेरी माँ को जस्ट आइस में रखकर आई थी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइस में रख के आई थी, मॉर्ग में रख के आई थी। कौन सी बेटी, कौन सा बेटा इस दुनिया में होगा जो चिकन चिली और ये खाएगा? वो कहती है कि मैंने पूछा क्या खाएंगे, क्या मुझे तो नहीं पूछा गया था क्या खाएंगे, इन लोगों ने सबने उठा के मुझे टेबल पे बिठाया। क्या आप सोच सकते हैं कि टेबल पे बिठाने के बाद कोई बंदा वीडियो ले रहा है उस दिन का प्रूफ के लिए? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आगे क्या होने वाला है, तो इंसान वीडियो भी ले रहा है। आदिल ने वीडियो लिया कि राष्ट्रीय ने वीडियो लिया, मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरी हुई है, शॉक में हूँ, इन्होंने बिठाया मुझे डाइनिंग टेबल पे, मुझे ही नहीं पता कि मैं दाल रोटी खा रही हूँ, मैं चिकन खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ जो थाली में परोसा, सुबह की भूखी मैं।